नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग संचालित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय स्कूल क्रमांक 104 से आज के ई लर्निंग दशिका में आपका स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 10वीं माध्यम हिंदी गणित भाग 1 प्रकरण क्रमांक 3 अंकगणितीय श्रृंखला के क्रमिक पदों पर आधारित उदाहरण सीखेंगे। पहला उदाहरण देखते हैं, किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पदों का योगफल 27 तथा उनका गुणनफल 504 हो तो वे 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम लोगों को अंकगणितीय श्रृंखला के क्रमिक 3 पद यहाँ पे दिया है, इसका उपयोग करके हमको ये हल करना है। तो हम लोग ये 3 क्रमिक पद यहाँ पे लेंगे। माना कि वे 3 क्रमिक पद a-d, a+d यह है। यहाँ पे प्रथम पद होगा a-d, द्वितीय पद होगा a, तृतीय पद होगा a+d, इस तरह से। अभी यहाँ पे शर्त दिया है, पहली शर्त 3 क्रमिक पदों का योगफल, हमको ये 3 क्रमिक पदों का योगफल करना है। तो यहाँ पे हम लोग उदाहरण के पहले शर्त के अनुसार जोड़ करेंगे, a-d प्लस a+d, योगफल दिया है 27, तो बराबर 27। अभी ब्रैकेट निकाल दो। ब्रैकेट निकालने पर a-d प्लस a+d बराबर 27। अभी -d + d कैंसिल हो जाएगा, a+ 3 बार है तो इसके लिए इसका प्लस हो जाएगा 3 ही, बराबर 27। अभी 3 से इसको भाग दो, ये बराबर 27/3, तो a का मान हमको मिला 9। इस तरह से a का मान हमको मिला। अभी d का मान निकालने के लिए दूसरा शर्त का उपयोग करेंगे। दूसरा शर्त है उनका गुणनफल 504। तो हम लोगों को ये 3 पदों का गुणा करना पड़ेगा, a-d * a, इस तरह से a-d * a * a+d बराबर 504। अभी a-d a+d है, ये दोनों पद जो है समान है, लेकिन इसके बीच में प्लस और माइनस साइन दिया है, डिफरेंट चिन्ह है। तो इसका सूत्र के अनुसार हम लोग पहले पद का स्क्वायर करने का, दूसरे पद का स्क्वायर करने का, बीच में माइनस है, तो a² - d² * a, इस तरह से ये होगा बराबर 504। अभी यहाँ पे a का मान हमने निकाला है, यहाँ पे a का मान डाल दो, तो ये हो जाएगा 9² - d² * 9। अभी 9 का स्क्वायर होता है 81 - d² * 9 बराबर 504। अभी ये जो 9 है, ये 9 504 के बटे में जाने दो, 81 - d² = 504/9, 9 से इसको भाग देने पर हमको 56 मिलेगा, 81 - d². अभी 81 यहाँ पे इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो -d² बराबर 56 -81, 81 से 56 माइनस करो तो ये बचेगा -25। दोनों तरफ माइनस है वो निकाल दो, तो d² बराबर 25। अभी दोनों का वर्गमूल निकालो, स्क्वायर रूट, तो d बराबर आएगा 5। अभी a का मान हमारा निकल गया और d का मान हमारा निकल गया, तो ये जो है a का और d का मान यहाँ पे डालिए, प्रथम पद मिलेगा, फिर द्वितीय पद मिलेगा और तृतीय पद मिलेगा, तो हमारा प्रथम पद हमको मिलेगा a-d बराबर 9 - 5 = 4, द्वितीय पद हमको मिलेगा a बराबर 9 और तृतीय पद मिलेगा हमको a+d, मतलब a का मान 9 + d का मान 5, ये हो जाएगा 14। तो इस तरह से हमको ये अंकगणितीय श्रृंखला के क्रमिक पदों का उपयोग करके उदाहरण हल करना है। ओके, तो आपको ये समझ में आया रहेगा। तो वे 3 क्रमिक पद कौन से होंगे, 4, 9 और 14, इस तरह से। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं, किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 4 क्रमिक पदों का योगफल 12 तथा उन 4 पदों में से तृतीय पद और चतुर्थ पद का योगफल 14 हो तो वे 4 पद ज्ञात कीजिए। ये भी एग्जांपल उसी तरीका है, यहाँ पे खाली 4 पद दिया है हमको, सिर्फ 4 पद दिया है यहाँ पे,
तो ये चार पद है, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये हमको लेना है। तो पहला पद हो जाएगा चार पद ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, यह है। तो पहला पद हो जाएगा ए माइनस डी, दूसरा पद हो जाएगा ए, तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी और चौथा पद ए प्लस टू डी। इस तरह से ये चार पद हैं दिए हुए। अभी बोला है चार पदों का योगफल 12, तो इसका योगफल करना पड़ेगा, मतलब जोड़ करना पड़ेगा। तो उदाहरण के पद के पहले शर्त के अनुसार ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी इक्वल टू 12। अभी ब्रैकेट निकाल दो, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी इक्वल टू 12। तो ए जो है ये चार बार प्लस है, इसके लिए ये चार ए हो जाएगा और माइनस डी ए माइनस डी कैंसिल हो जाएंगे, तो चार ए बराबर प्लस टू डी बराबर 12 ए आएगा। अभी दो से भाग देने पर हमको मिलेगा 2 ए प्लस डी बराबर 6। तो ये समीकरण एक मिलता है। दूसरी शर्त है वो चार पदों में से तृतीय पद और चतुर्थ पद इसका योगफल। तो तृतीय है ए प्लस डी, चतुर्थ है ए प्लस टू डी, इसका दोनों का जोड़ करेंगे और ये है 14। तो इस तरह से दूसरी शर्त के अनुसार ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी बराबर 14। ब्रैकेट निकाल दो, ब्रैकेट निकालने पर हम लोगों को ये मिलेगा टू ए प्लस ए टू ए और डी प्लस टू डी 3d बराबर 14। इस तरह से दो समीकरण हमको मिला। अभी इसका हम निरीक्षण करेंगे, तो हमको यहाँ पे चिन्ह समान दिखाई दे रहा है और गुणांक भी समान है, इसके लिए ये समीकरण एक और दो को घटाना पड़ेगा। तो समीकरण एक तथा दो को घटाव करने पर समीकरण एक के नीचे एक लिखेंगे हम। अभी घटा बोला तो यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन देंगे और नीचे के समीकरण का चिन्ह बदल लेंगे। तो यहाँ पे माइनस आएगा, इधर भी प्लस है तो माइनस आएगा, इधर भी प्लस है तो माइनस होगा। अभी चिन्ह कानून नियम उपयोग में लाना पड़ेगा, तो 2a माइनस 2a 0 हो जाएगा, 3d माइनस 1d माइनस 2d हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस 14d प्लस 6 तो ये माइनस 8 हो जाएगा। तो दोनों तरफ माइनस से निकाल दो, तो d बराबर माइनस 8 बटे माइनस 2 ऐसा भी लिखेगा तो चलेगा, और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डी बराबर 2 से भाग देने पर आएगा 4। तो डी का मान हमारा निकल गया। अब ये डी का मान कोई भी एक समीकरण में डाल दो, डी बराबर 4 यह मान समीकरण एक में रखने पर हम लोग एक में रखेंगे। तो यहाँ पे डी का मान डी है 2a प्लस डी बराबर 6, तो डी में हम 4 रखेंगे, 2a प्लस 4 बराबर 6। अभी ये 4 इधर माइनस करो, 2a बराबर 6 माइनस 4, 2a बराबर 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 1। इसी तरह से हमको a का मान और d का मान मिला। अभी a का और d का मान यहाँ पे डाल दो, तो हमको a प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद मिलेंगे। तो प्रथम पद है a माइनस डी, a का मान 1 माइनस d का मान 4। अभी 4 से 1 माइनस करो, 3 आएगा, बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस 3 प्रथम पद। द्वितीय पद ए है, ए का मान 1 है। तृतीय पद ए प्लस डी है, ए है 1 और डी है 4, उसका जोड़ करो 5 हो जाएगा। चतुर्थ पद ए प्लस टू डी, तो ये है 1 प्लस 2 इंटू डी का। तो हमको प्रथम पद मिलेगा ए माइनस डी बराबर 1 माइनस 4 बराबर माइनस 3। द्वितीय पद मिलेगा यह बराबर 1। तृतीय पद ए प्लस डी है, ए का मान 1 प्लस डी का मान 4 हो जाएगा 5। चतुर्थ पद है ए प्लस टू डी इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू डी का मान 4 ये हो जाएगा 8, ए प्लस 8 इक्वल टू 9। तो इसी तरह से हमको अंकगणितीय श्रृंखला के जो क्रमिक पद है ऐसे निकालना है। तो वे हमको मिला है माइनस 3 1 5 9। इस तरह से तीसरा एक उदाहरण देखते हैं। किसी अंकगणितीय श्रृंखला में 9वां पद शून्य हो तो 29वां पद 19वें पद का दुगुना होता है, सिद्ध कीजिए। इस तरह का एक उदाहरण हमको है। तो यहाँ पे हमको 9वां बोला, तो ये T9 ये हमको दिया है
और इसके आधार पर हमको इसको सिद्ध करना है। तो टी नाइन का मान शून्य दिया है, बराबर शून्य। पहले हम टी नाइन का हल करेंगे, टी एन का सूत्र लगाने पर। तो यहाँ पे एन का मान नौ डाल दो, तो टी नाइन हम जीरो दिया, यहाँ पे जीरो डाल दो, जीरो बराबर ए प्लस नौ माइनस वन मतलब एट एट डी। तो ये हमको मिलेगा ए बराबर माइनस एट डी। ये पहले शर्त का हुआ है, अभी टी 29। तो फिर से टी एन का सूत्र लगाने का, तभी एन का मान यहाँ पे आपको 29 लेना पड़ेगा। तो एन के जगह पर 29, यहाँ पे भी 29। तो टी 29 बराबर ए प्लस 28 डी। अभी ए का मान यहाँ पे हमको माइनस एट दिया, यहाँ पे डाल देंगे। तो समीकरण एक से ए का मान रखने पर, यहाँ पे हम ए का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा टी 29 बराबर माइनस एट डी प्लस 28 डी। इसको माइनस करो तो ये हो जाएगा टी 29 बराबर 20 डी। अभी हमको यहाँ पे 19वें पद का दुगुना बोला है, तो 19वें पद भी हमको निकालना पड़ेगा। तो टी 19 बराबर ए प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, टी 19 बराबर ए प्लस 18 डी। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण एक से ए का मान फिर से यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा टी 19 बराबर माइनस एट डी प्लस 18 डी। इसको माइनस कर दो, टी 19 बराबर 10 डी। अभी समीकरण दो से, दो तथा तीन से यहाँ पे देखेंगे तो टी 29 बराबर 20 डी है। अब ये 20 को हम लोग कैसे लिखेंगे, टी 29 बराबर 2 इंटू 10 डी। अभी 10 डी जो है किसका मान है, टी 19 का, यहाँ पे डालेंगे टी 29 बराबर 2 इंटू 10 डी का मान इधर है टी 19। तो टी 29 बराबर 2 टी 19। इस तरह से 29वां पद 19वें पद के दुगुना है। तो हमने इस तरह से ये सिद्ध किया। कुछ होमवर्क हमने दिया है, वो आप लोग कर लो। दूसरी और एक कृति दी है, वो भी आप हल करेंगे। धन्यवाद।